आईपीएल 2023 में अभी तक 61 मुकाबले खेले जा चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी टीम आधिकारिक रूप से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। रविवार रात चेन्नई सुपर किंग्स की हार ने अन्य टीमों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। कोलकाता ने धोनी के किले को भेदते हुए चेपॉक में सीएसके को 6 विकेट से धूल जिताई। नीतीश राणा की टीम की यह सीजन की 6वीं जीत है और वह 12 पॉइंट्स के साथ 7वें पायदान पर पहुंच गई है। केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस ना के बराबर है, मगर यह टीम अंत तक लड़ने में लगी है। वही बात अगर करें चेन्नई की, तो इसमें हार के बाद चेन्नई पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर बरकरार है, मगर वह अब अधिकतम 17 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। ऐसे में आगे आने वाले मैचों में उनके टॉप 2 में बने रहने के चांस काफी कम हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की इस हार ने मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। अगर दोनों टीमें अपने अपनी आखिरी मुकाबले जीतती हैं, तो वह टॉप 2 में खत्म कर सकती है। ऐसे में उनके फाइनल में पहुंचने के 2 चांस उन्हें मिलेंगे। वहीं बात करें केकेआर की, तो उनकी जीत से फिलहाल पंजाब किंग्स को 1 पायदान का नुकसान हुआ है। केकेआर और पंजाब के अलावा राजस्थान बेंगलोर के भी 12-12 अंक है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें 8-8 पॉइंट्स के साथ 9वें और 10वें पायदान पर हैं।